मैन डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। मुकदमे की शुरुआत आगजनी की एक घटना से हुई जो 10/4/2003 को प्रतिवादी कंपनी की डिस्टिलरी के एक गोदाम में घटी। फुल स्टॉप। इस आग में विभिन्न ब्रांडों के इंडियन मेड फॉरेन लिकर के 35,642 केस नष्ट हो गए। फुल स्टॉप। इस आरंभिक रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद कि आग संभवतः बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी, विभाग ने प्रतिवादी कंपनी से शराब के इस तरह के नष्ट होने के कारण हुए आबकारी शुल्क क्षति को वसूलने का प्रस्ताव दिया। फुल स्टॉप। प्रतिवादी ने कहा कि इसकी ओर से कोई लापरवाही नहीं की गई थी और इसलिए उत्तर प्रदेश वॉल्टिंग ऑफ फॉरेन लिकर नियम 1969 के नियम 7-11 और उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली के नियम 709 के तहत उत्पाद शुल्क के कथित नुकसान की वसूली का कोई मामला नहीं बनता है। फुल स्टॉप। पैरा। हालांकि आबकारी आयुक्त ने अपने 11/7/2006 दिनांकित आदेश द्वारा प्रतिवादी के कथन को खारिज कर दिया और शराब नष्ट होने के कारण हुए उत्पाद शुल्क के नुकसान के लिए ₹6,39,32,449.44 की मांग की। फुल स्टॉप। तदनुसार जिला मजिस्ट्रेट शाहजहांपुर ने प्रतिवादी को 1 सप्ताह के भीतर राशि जमा करने के लिए कहा। फुल स्टॉप। पूर्वोक्त मांग और वसूली के कदमों को चुनौती देते हुए प्रतिवादी कंपनी ने एक रिट याचिका दायर की, जिसमें उच्च न्यायालय ने 25/7/2006 दिनांकित एक अंतरिम आदेश के माध्यम से प्रतिवादी कंपनी के द्वारा ₹3 करोड़ की राशि जमा करने की शर्त पर कार्यवाही पर रोक लगा दी। फुल स्टॉप। इस अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति की मांग करने वाली याचिका को इस न्यायालय ने 14/8/2006 को खारिज कर दिया। फुल स्टॉप। इसके बाद दिनांक 21/8/2006 को प्रतिवादी कंपनी ने ₹3 करोड़ की उक्त राशि जिला मजिस्ट्रेट शाहजहांपुर के पास जमा कर दिया। फुल स्टॉप। प्रतिवादी कंपनी द्वारा दायर रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा 10/4/2017 दिनांकित अपने आदेश द्वारा अनुमति दी गई। अनिवार्य रूप से इन निष्कर्षों के साथ कि नियम 1969 का नियम 7-11A इस मामले में लागू नहीं होता, क्योंकि IMFL की बाल्टिंग और भंडारण के संचालन में कोई बाबर्दी नहीं हुई थी। यह कि आबकारी नियमावली का नियम 709 लागू होता, जिसके लिए लापरवाही दर्शाया जाना था। यह कि आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश याचिकाकर्ता की ओर से लापरवाही के किसी ठोस सबूत
बिना अनुमानों पर आधारित था और यह कि घटना दैवीय कृत्य के अलावा कुछ नहीं थी। फुल स्टॉप। उच्च न्यायालय ने तदनुसार आबकारी राजस्व के कथित नुकसान की मांग और वसूली के आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया। फुल स्टॉप। तत्पश्चात रिट याचिका में अंतरिम आदेश के अनुसार जमा की गई राशि को वापस करने में विभाग के विफल रहने के कारण प्रतिवादी कंपनी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दिया, जिस पर 6/11/2019 दिनांकित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने आबकारी आयुक्त को 4 सप्ताह के भीतर रिफंड के आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। फुल स्टॉप। पैरा। जैसा कि देखा गया है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित 10/4/2017 और 6/11/2019 दिनांकित पूर्वोक्त आदेशों पर इन अपीलों में सवाल उठाए गए हैं। फुल स्टॉप। अपीलार्थी का कहना है कि उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष उचित नहीं है कि विचाराधीन घटना दैवीय कृत्य था, न कि प्रतिवादी की ओर से लापरवाही का। फुल स्टॉप। अपीलार्थी ने यह कहने के लिए नियम 1969 के नियम 7(11)(a) और आबकारी नियमावली के नियम 708 और 709 का अवलंब लिया है कि प्रतिवादी कंपनी आग में नष्ट हुए IMFL के स्टॉक पर देय उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए बिल्कुल उत्तरदायी है। फुल स्टॉप। बीमा कवरेज के प्रभाव से संबंधित एक सहायक पहलू केवल शराब के मूल्य का और प्रतिवादी कंपनी द्वारा बीमा दावा प्राप्त करना भी उठाया गया है। फुल स्टॉप। इसके विपरीत यह कहा गया है कि वर्तमान मामले में उत्पाद शुल्क के दावे को लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह विधि द्वारा अधिकृत नहीं है और यह कि प्रतिवादी आग में नष्ट हुए IMFL पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, खासकर जब इसकी ओर से कोई लापरवाही नहीं थी। फुल स्टॉप। समाप्त।